की बात कहते थे, आज सारा चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं, हमें एसआईटी पर हमको अंगुली नहीं उठा रही। लेकिन ये सच है, आने वाले दिनों में सरकार का जब जब जाग आगे बढ़ती जाएगी, सरकार अपना दबाव बढ़ाएगी और इस जो मुख्य आरोपी हैं, जो चेहरे सामने नहीं आए हैं, उनको बचाने की कोशिश करेगी। हर तरफ नंगा नाच हुआ, नंगा नाच किया इन लोगों ने, सारी सीमाएं लांघ के, सारी सीमाएं इन्होंने तोड़ दी और भर्तियों का सिलसिला एक जाल बिछाते गए और लोगों को रोजगार बांटते रहे, घरों में बांटते रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से लेकर पूरे प्रदेश में एक ऐसी चेन बन गई थी जो नौजवानों को तलाश करती थी, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाती थी, उनको कहती थी आप इतना रुपया दे दीजिए, इतना लाख दे दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे और नौकरियां लगी। आज उनके भविष्य में ही संकट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह जांच तभी सही सच हो सकती है, ये जांच तभी को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक इसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के, मैं फिर दोहरा रहा हूं, फिर माननीय न्यायाधीश के संरक्षण में, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में सीबीआई जांच हो।